अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक और ईजी सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ना तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना ही पानी वगैरह गर्म करने की। सिर्फ 6 मिनट के अंदर ये मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलें जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हलवे के लिए दरकार होंगे। तो यहाँ मैंने 3/4 कप सूजी ले ली है। ये नॉर्मल सूजी है जो ग्रोसरी शॉप पे इजीली मिल जाती है। 1/2 कप मैंने यहाँ बनस्पति घी ले लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप यहाँ शुगर ली है मैंने, और 1 कप मिल्क लेकर मैंने उसे हल्का सा गर्म कर लिया था और उसमें चुटकी भर ज़ाफ़रान को सोक कर दिया है। यहाँ मैंने 2 इलायचियाँ ले ली हैं और 1/4 कप यहाँ मैंने चॉप नट्स ले लिए हैं। इसमें बादाम, पिस्ते और काजू शामिल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर एक पैन को गरम करने रख दिया था। अब इसमें मैं 1/2 कप घी ऐड कर दूंगी। घी जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और सूजी का कलर चेंज होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। सूजी जब रोस्ट होने के करीब होती है तो इसमें इस तरह से बबल उठने लगते हैं और वो थोड़ी सी फूल जाती है। सूजी को हमें जब तक भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बहुत अच्छी सी महक ना आने लगे। इस स्टेज पे यहाँ मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। सूजी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 कप रेगुलर पानी। पानी आप बहुत एहतियात से डालें क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके छींटे मुँह या हाथों पर आ सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ज़ाफ़रान मिला हुआ दूध ऐड कर दूंगी और जो हमने चीनी मेजर करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो सूजी में बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़े से नट्स ऐड कर दूंगी और थोड़े से नट्स हम ऊपर गार्निश के लिए बचा लेंगे। यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सूजी हमारी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है मगर इसमें अभी थोड़ा सा लिक्विड बाकी है तो हमें यहाँ इसे कवर करके 1 मिनट के लिए दम पर रखना है। तो यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। 1 मिनट हो चुका है और ये लीजिए हमारा क्विक और डिलीशियस सा सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर चेक कर सकते हैं। फ्लेम को यहाँ मैं ऑफ कर दूंगी और सूजी के हलवे को हम सर्व कर लेते हैं। हलवे की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी तरह रखनी है क्योंकि हल्का सा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाता है। अब जो थोड़े नट्स हमने बचाए थे उससे हम हलवे को गार्निश कर लेते हैं। घर में अचानक मेहमान आ जाए या कभी मीठा खाने को दिल करे तो आप ये फटाफट से रेडी होने वाला सूजी का हलवा बनाएं और एंजॉय करें। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।